खिचड़ी जैसा भी लग रहा है लेकिन मस्त है। जा रहे हम, जा रहे जाओ, मोटिवेशन वाला वीडियो देखो, समझा ना। खुद उठ के दिखा दो, खुद उठता नहीं है। जैसे बैठ भी नहीं सकता, मैं टेढ़ा बैठ गया, अब सीधा पोजीशन भी नहीं था, होल्डिंग वाला, तो बस से जाना कैंसिल। गुड मॉर्निंग, तो हेलो माय डियर स्वीट पीपल, तो आज है भैया का सुबह सवेरे विदाई, शादी वाला विदाई नहीं, मतलब शादी का ही हो गया वैसे, विदाई होगा आज क्योंकि ये मेरा घर है और इसे नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल ये आदमी रेडी हो रहा है, ये रहा दुल्हन। अरे यार दुल्हन कितना, जा रहे हम, जा रहे जाओ, तुम कुछ होके जा रहे है, जाओ, आई डोंट केयर। दादी भी उधर दुख से हमको देख रहे, देखा नहीं, अभी यहाँ से निकलेगा बेचारा, भैया आज रोक के जाएगा, कोई बात नहीं, ना, ना, ना। रोने से हमें खुशी मिलता है। ऐसे घर पे बैठा मत रहना, समझा, काम का चीज करना, तुम्हारा जैसा नहीं है, आई एम वेरी प्रोडक्टिव। क्या क्या करता है, सुबह कितना बजे उठता है वो भी बता। 8 बजता है तो 8 बजे देखो सारा दुनिया 4 बजे जग जाता है, तू 8 बजे उठता है, क्या सक्सेसफुल आदमी कैसे बनेगा। थोड़ा यूट्यूब वगैरह का वीडियो देखो, मोटिवेशन वाला वीडियो देखो, समझा ना। खुद उठ के दिखा दो, खुद उठता नहीं। सो हेलो जी, आई एम वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू, मैंने बता दिया, बोल दिया, ओके, तो फिर से वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो मैं जब कल आया, मैं अपना बाइक लेके नहीं आया, मैं ट्रैवल किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मैं बस से आया। तो गधा इंसान है, बाइक है फिर भी, बारिश दे रहा था, समझा, बारिश दे रहा था और बारिश में मुझे भीगने का मन नहीं था, इसलिए मैं बस पकड़ा, 50 रुपीज में आ गया। तो अगर मैं बाइक से आता तो 200 का तेल जाता, सिंपल सा बात है, इसलिए मैं बस में आ गया। अभी वापिस जाऊंगा बस से, लेकिन अभी किसी को बुलाना पड़ेगा, यहाँ से बस स्टॉप तक कोई व्हीकल नहीं मिलता हम लोग का, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। देखा, बाइक है फिर भी ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो, ऐसे दिन भी आता है सबको, इसे बोलते हैं गधा। ठीक है, अभी जाता हूँ और मेरा जाने के बाद बहुत सारा काम है, मुझे बेड खरीदना है और काफी सारा सामान खरीदना है, तो फ्लोर में ज्यादा दिन नहीं सो सकेंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो इसीलिए जाते हैं अभी। तो बाय बाय करके, बाय बाय, बाय बाय, सी यू, सी यू, क्या पता कल परसों ही आ जाओ, मैं भी नेक्स्ट वीक बाय जाऊंगी वैसे भी, क्या। तो मैं अपना भाई को बुला लिया, अब इसके साथ जाऊंगा, चलो लेट्स गो, बस कब तक। ऑलमोस्ट पहुंच गए बस स्टैंड, वो बस उधर है, बस इधर रोक दो, हम जाएंगे, बस यही पे है और बस हो गया, बस हो गया, बस इधर ही है। तो बस से जाना कैंसिल क्योंकि बस में ज्यादा भीड़ है, अभी जाऊंगा ये विंगर से। पहुंच गया भाई, काफी कमर दर्द कर रहा है भाई अभी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यही एक झंझट है जहाँ की मैं अच्छे से बैठ भी नहीं सकता, मैं टेढ़ा बैठ के आया पूरा, तो सीधा पोजीशन भी नहीं था, तो कमर दर्द कर रहा है, और ऊपर से अभी मुझे बाहर निकलना है, मुझे बेड खरीदना है, सोच रहा था आज ही खरीदूंगा क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता, इसलिए आज बेड खरीदूंगा सोच रहा हूँ, देखते हो क्या होता है। तो पहले रूम में पहुंचते फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। इतना टाइट, ओके, बैक टू द रूम, ये देखो नीचे सोते थे, अभी लूंगा बेड, इधर लगाऊंगा। तो एक चीज मैंने नोटिस किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्या होता है अगर मैं अपना सेलफोन या फिर कैमरा निकाला और वीडियो करने लगा, तो सबको आके ऐसा मतलब घेर लेता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, हाथ इतना फैला के बनाना है तो थोड़ा तो स्पेस चाहिए होगा, आके से कैमरा में से ताकने लगता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें बनाने का मन ही नहीं करता है। मेरा हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए, देखो जैसे कि मैं ऐसा कैमरा पकड़ा तो आगे से आके ऐसा देखता है क्या चल रहा है, तो मतलब कुछ भी, मैं अगर वीडियो बनाऊ और कोई मुझे ताकता रहता है तो मुझे ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि हम लोग का जगह में लोग इतने स्मार्ट नहीं हुआ कि समझ पाए वो लोग हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो इस सब का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मुझे पब्लिक में ज्यादा व्लॉग करने का इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, और एक प्रॉब्लम है, अगर पब्लिक में मुझे वीडियो बनाना है और जैसा मेरा स्टाइल है, मैं कैमरा रख के जो बनाता हूँ, अगर मैं कहीं उधर कैमरा रखने गया तो 1 मिनट बाद वो कैमरा गायब हो जाएगा, सीधी सी बात, वैसे रिस्क नहीं लेने का अपन को, अपन हाथ में पकड़ के बनाएंगे वही बेहतर है, या फिर नहीं बनाएंगे, या फिर कमरे में आके बनाएंगे या फिर कमरे से जाके बनाएंगे। तो फिलहाल कमरे में पहुंच गया, अभी थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद निकल जाता हूँ बेड खरीदने के लिए। और हाँ, दोस्त के लिए आम लाने को सोचा था लेकिन नहीं ला पाया, सॉरी, क्योंकि मुझे भी खाने को नहीं मिला, जल्दबाजी में सब कुछ हो गया, कल खाने बोला था, बारिश आ गया, तो अगर मुझे आम तोड़ना पड़े तो जल्दी नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे, वही बात। तो अभी चलते हैं कमरे में, नया नया चीजें लाते हैं, क्या नया नया चीजें, एक ही तो चीज है, बेड ही तो लाना है, तो जाएंगे देखते हैं दुकान खुला है कि नहीं, अगर दुकान खुला नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर खुला है तो मस्त होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, बोल नहीं सकते, दुकान वगैरह बंद भी हो सकता है, क्या देखते हैं, एक सुंदर सा बेड, क्यूट सा छोटा सा, इधर में लाके लगा देंगे, लेट्स गो, चलो 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 जाएंगे। ये रहा मेरा बाइक इधर, बेचारा उस दिन से बारिश में भीग रहे थे, हालत ठीक नहीं है बाइक का भी। अभी जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन, देखते हैं मिलता है कि नहीं।
तो मेरे को वापस आना पड़ा बिना बेड का। पहले पहले जो दुकान गया वहाँ पे मैंने देखा है, मतलब सिंगल साइज बेड जो कि स्टील का बना है। मैंने पूछा इसका प्राइस कितना है, उसने बोला 6000। ओके, और जब मैं बैठा तो लग रहा था कि थोड़ा उछल कूद करने से ही वो टूट जाए, वैसा टाइप का था। तो स्टील का बेड मुझसे नहीं होगा। तो दूसरा दुकान पे गया, उसका क्वालिटी थोड़ा ठीक था लेकिन प्राइस थोड़ा हाई था, और 9900 बोल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 10000 ही हो गया। तो इतना प्राइस का लेके क्या करूँ भाई, बिस्तर वो भी। तो इसलिए मैं बिना बेड का आ गया, मुझे एक भी पसंद नहीं आया। यही था इसका कहानी। और बाकी फिलहाल ये फ्लोर में कुछ दिन गुजारना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ हम लोग का उधर संडे में एक मार्केट होता है, तो उस मार्केट में जो ऊंट का बेड होता है तो वो वाला लेके आऊंगा मैं, तो वो वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उस दिन से सोच रहा था मैं स्टील वाला लूंगा, लेकिन आज जब जाके खुद से चेक किया और देखा चीज सर तो पसंद नहीं आया, बहुत आवाज भी करता है। तो इसीलिए मैं संडे जाऊंगा हम लोग का उधर, खरीदूंगा और वापस लेके आऊंगा। तो कल संडे था और संडे को आता है वन पीस, कल देख नहीं पाया था, मिस हो गया, तो अभी देख रहा हूँ थोड़ा। और अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मिस नहीं करना है, मेरे को सारा कुछ देखना है। अभी एपिसोड 1021 चल रहा है। अगर किसी को वन पीस के बारे में पता नहीं है तो मैं बता दूँ, वन पीस एक एनिमे है जो कि बहुत सालों से चलते आ रहा है। इसका कहानी बताओ तो बताओ क्या, क्योंकि आपको देखना चाहिए तो भी पता चलेगा। जो जो एनिमे लवर्स है और जो जो नहीं भी है, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग देखिए। मैं मेनली क्या देखता हूँ, अगर एनिमे देखता हूँ तो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन और ऊपर से स्टोरी लाइन। एक बहुत लंबा स्टोरी बन जाता है, तो उस स्टोरी को कैसे क्रिएट करता है और कैसे एंड करता है, मुझे वो देखने में बहुत पसंद। देखिए कहानी का स्टार्टिंग बहुत सिंपल होता है, जब तक बीच में पहुंचते हैं तो बहुत ही अलग टर्न लेता है, और जब क्लाइमेक्स होता है मतलब जब खत्म होने वाला होता है तो उसका कहानी बिल्कुल अलग होता है, मतलब फर्स्ट से और लास्ट से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वैसा ट्विस्ट मुझे बहुत पसंद, ये वाला एनिमे बहुत अलग है। तो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, अभी फिलहाल देखता हूँ, थोड़ी देर बाद में। चलो अभी बनाते हैं खाना, देखते हैं खाने में क्या क्या है। प्लेन रोल, दाल, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी बनाने के लिए कुछ है नहीं, ओनली है तो दाल है, फिर तो करे क्या। बाकी लोग तो जिमर है, जो मेरा रूममेट है और जो भैया है वो लोग, हम लोग एक साथ खाना खाते हैं यहाँ पे, वो लोग जिमर है तो आज वो लोग का डाइट है। हम तो जिमर नहीं भाई, हम लोग खाना खाना है, मेरा डाइट नहीं है वैसे। वो लोग डाइटिंग कर रहा है इसलिए आज वो लोग का खाना वाना कुछ है नहीं। वैसे तो खाना खाने वाला अकेला हो गया, सिर्फ मैं अकेला, तो मेरे को कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, मेरे को टाइम पास भी नहीं करना है, जल्दी पक जाए, जल्दी खाने को मिल जाए, सिर्फ वही दुआ है मेरा। तो अभी फिलहाल दाल और चावल को मिक्स करके कुछ करता हूँ, खिचड़ी टाइप। एक्स्ट्रा से दाल एक्स्ट्रा से चावल बनाने का मन नहीं है, तो वही बनाता हूँ और वही खाता हूँ। रहा फाइनली कुछ ऐसा बन गया। तो ये है दाल और चावल जो कि मैं अभी खाने वाला हूँ। अच्छा ही बना, ठीक ठाक बना है, मैंने टेस्ट करके भी देखा है, तो थोड़ा खिचड़ी जैसा भी लग रहा है लेकिन मस्त है। तो अभी चुपचाप अकेला खाता हूँ, फिर उसके बाद जाके एडिट करके सो जाता हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।